एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट के चैप्टर्स को स्टार्ट किए थे और आज पढ़ेंगे हम इस वीडियो में अपने क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट, जो कि दिया हुआ है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसके चैप्टर वाइज जो हेडिंग दिया है उसको हम पढ़ेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है उसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि ये हेलो एल्केन क्या होता है, ठीक है। पहले हम जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे हेलो एरिन, ठीक है। पहले आप हेलो एल्केन को जान जाएंगे तो आपको समझने में हेलो एरिन को बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस कि यहाँ पे हेलो एल्केन को, ठीक है, हेलो एल्केन को जानने से पहले आपको हेलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं इसे जानना होगा। इस हेलोजन व्युत्पन्न के पहले आपको जानना होगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। क्या हमने बताया? हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पे हाइड्रो मीन्स क्या हो गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उनमें कौन से तत्व आते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपका आ गया मेथ, ठीक है, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, मीन्स कि ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से क्या हुआ है, मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये भी है। तो यही सब तत्व जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन को समझ गए। फिर उसके बाद देखिए हेलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, ठीक है। आप हाइड्रोकार्बन समझ गए तो अब इसके बाद हेलोजन व्युत्पन्न को आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हेलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन से प्रतिस्थापित करने के पश्चात प्राप्त यौगिक को ही हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन से प्रतिस्थापन करने से प्राप्त यौगिक को ही क्या कहते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। तो यहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन तो जान गए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अब जानेंगे आप कि हेलोजन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 17 वर्ग के जो भी तत्व होते हैं वो हेलोजन वर्ग के तत्व कहलाते हैं। हेलोजन को एक्स से शो करते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो भी तत्व आ गए, जैसे क्लोरीन आ गया, आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन, ये सब क्या है, हेलोजन वर्ग के तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेलोजन वर्ग के तत्व को भी आप जान गए और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं इसको भी जान गए। तो इसी को ही हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन से प्रतिस्थापन करने से प्राप्त यौगिक को ही हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं।
तो एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं। किसे कहते हैं? एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझ गए। तो इसमें जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे, तो यहाँ पे कह तो यहाँ पे एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को ही क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। मींस कि जो यहाँ पे हमने बताया हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, ठीक है, इसी को ही एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को ही क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे तो एल्केन और हैलोजन, ठीक है, फॉर्मूला होता है वो होता है आर एक्स। ठीक है, एल्किल हैलाइड को किससे शो करते हैं? R और X से। तो इस R X का क्या मतलब हो गया? R के प्लेस पे आप जैसे यहाँ पे CH3, ठीक है, C2H5 इस तरह ले सकते हैं, और ये जो X है इसके प्लेस पे हमने बताया क्या क्या ले सकते हैं, Cl, I और Br। हैलोजन वर्ग का कोई भी तत्व ले सकते हैं X के प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे Cl को ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारा CH3Cl मेथिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेथिल क्लोराइड। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया I, तो ये हो गया एथिल आयोडाइड। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये एल्किल है, ये क्या है? एल्किल है। और यहाँ पे ये है जो यहाँ पे Cl, ये हैलोजन है, तो वही एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। और इसमें हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन को हमने बताया हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें क्या है? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 है। तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन से प्रतिस्थापन करने से, ठीक है, हैलोजन से इसको क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे हैलोजन वर्ग का तत्व तो क्या है? तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह, ठीक है, इस तत्व को हमने क्या कर दिया, इस प्रकार स्ट्रक्चर में लिख दिया, खुले स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक एक बंध से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, इसके अष्टक को क्या करने के लिए? पूर्ण करने के लिए, क्योंकि जो कार्बन का होता है बाहरी को अष्टक में वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है? 4। ठीक है, तो इसके बाहरी को उसमें कितना होता है? 4 होता है। इसको 8 करने के लिए, इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने चाहिए? 4 चाहिए। इसलिए ये कार्बन एक हाइड्रोजन से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक क्लोरीन से ले लिया। ठीक है, इसका अष्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार ये एकल बंध अपना बनाता है। हेलो एल्केन को पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हेलो एरिन को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे जानना होगा कि एरोमेटिक किसे कहते हैं या एरोमेटिक यौगिक किसे। यहाँ पे हम जानेंगे एरोमेटिक किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसकी संरचना और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? विशिष्ट प्रकार की होती है, उसे ही एरोमेटिक कहते हैं। जान गए आप एरोमेटिक किसे कहते हैं? जो एरोमेटिक होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं? विशिष्ट संरचना होते हैं उनके, और उनकी अभिक्रियाएं क्या होती है? विशिष्ट होती है, उसे ही एरोमेटिक कहते हैं। तो एरोमेटिक में कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे बेंजील, ठीक है, बेंजील हो गए और फेनिल हो गए, फिनॉल, कई तत्व आते हैं एरोमेटिक में। जो एरोमेटिक तत्व की पहचान किस प्रकार किया जाता है? ये आपके वाइवा में आते हैं। तो अगर एरोमेटिक यौगिक को आप क्या करोगे? जलाएंगे तो उसमें से ब्लैक कलर का, ठीक है, काला स्मोक, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उसे ही एरोमेटिक कहते हैं। जैसे बेंजील हो गया, ठीक है, बेंजील की संरचना आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है,
एरोमेटिक किस प्रकार है? क्योंकि ये बेंजील है, बेंजील किसका उदाहरण है? एरोमेटिक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एरोमेटिक है बेंजील है, ठीक है, क्या है? बेंजील है, बेंजीन। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसमें 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। इसके जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 इसमें क्या है? कार्बन की संख्या है और 6 इसमें हाइड्रोजन की संख्या है। इस प्रकार जो बेंजीन होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पे एक छोड़ एक पर इसमें डबल बॉन्ड लगाए जाते हैं, इसको अष्टक को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। आप बेंजीन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और आप बेंजीन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार भी लिखते हैं, इस तरह आप बेंजीन की संरचना को लिख सकते हैं। ये क्या है? बेंजीन है, ठीक है। ये एरोमेटिक तत्व में आते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं। बंद श्रृंखला वाले वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एक या एक से अधिक बेंजील रिंग उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बेंजील की संरचना है, इसमें क्या है? ये क्या है? बंद श्रृंखला है और इसमें एक या एक से अधिक बेंजील रिंग उपस्थित हो। जैसे यहाँ पे बेंजील है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है? बंद, दोनों श्रृंखलाएं क्या है? बंद है और इसमें एक या एक से अधिक क्या हो? बेंजील रिंग इससे जुड़ा हो, इसे ही कहते हैं एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है? डाइफेनिल है। इसका नाम क्या है? डाइफेनिल। इसका नाम क्या है? डाइफेनिल। क्यों है? क्योंकि इसमें दो डाई मीन्स दो, पहले को मोनो, दूसरे को डाई, तीसरे को ट्राई और चार रहेगा तो टेट्रा। तो यहाँ पे कितने हैं बेंजील? दो संरचना है, इसलिए डाइफेनिल, ठीक है। तो इस प्रकार इसी को ही कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। तो आप यहाँ पे एरोमेटिक किसे कहते हैं समझ गए, एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं ये भी समझ गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो एरोमेटिक का प्रकार कितना होता है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहते हैं? एरिन कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हेलो किस प्रकार लगेगा, ठीक है, इसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे पहले एरीन आप समझ गए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ये क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं? इसके फॉर्मूला जो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, वो होते हैं CnH2n-6। इसके जो होते हैं फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, फिर उन प्रकारों के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहले दो प्रकार का होता है, वो कौन सा होता है? वो होते हैं, पहला जो होता है वो होता है मोनोचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद सेकेंड जो होता है वो होता है पॉलीचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोनो चक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। मोनो मीन्स होता है एक, ठीक है, और पॉली मीन्स बहुत सारे हाइड्रोकार्बन उसमें जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले क्या मोनो चक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मोनोचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वे चक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अणु सिर्फ एक बेंजील रिंग से जुड़े हों, उसे ही मोनोचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं,
ठीक है, किसे कहते हैं? वे चक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अणु सिर्फ एक बेंजीन रिंग से जुड़े हो उसे ही मोनोचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जान गए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो इसमें एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे क्या बेंजीन एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये किसकी संरचना है? बेंजीन की है, यहाँ पे सी एच लगे हुए। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे देखिए जो मोनोचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसमें कई कंडीशन आते हैं, इसके कई पोजीशन आते हैं। जैसे यहाँ पे मोनोचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ही आता है आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन। इसमें देखिए जो मोनोचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें इसके प्रकार भी होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं और उसके कई पोजीशन होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मोनो हो गया, इसमें मोनो में उसकी यही हो गया, ठीक है, डेफिनेशन को हमने बता लिया। जैसे इसमें बेंजीन, फिर उसके बाद इसके और भी पोजीशन है जैसे आर्थो पोजीशन, ठीक है, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो देखेंगे हम इन तीनों पोजीशनों को कैसे हैं, इसके एग्जांपल क्या है। आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, तीन पोजीशन है, ठीक है, आर्थो स्थिति, मेटा स्थिति और पैरा स्थिति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्थो पोजीशन किसे कहते हैं। आर्थो पोजीशन में क्या आ जाएगा? वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें दो समूह बेंजीन रिंग में आसपास जुड़े हों उसे ही आर्थो पोजीशन कहते हैं, आर्थो स्थिति कहते हैं। किसे कहते हैं? वे एरोमेटिक जिसमें दो समूह बेंजीन रिंग में पास पास जुड़े हों। यहाँ पे जैसे आपका, ठीक है, ये क्या हो गया? बेंजीन की संरचना हो गया। अगर इसमें हमने क्या कर दिया? सीएल को जोड़ दिया, ठीक है, क्लोरीन को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? हेलो एरीन हो गया। क्योंकि जो हेलो है मीन्स की हेलोजन वर्ग का तत्व, हेलोजन वर्ग का तत्व क्या है? क्लोरीन है। और जो यहाँ पे बेंजीन की संरचना है इसको हमने क्या बताया? एरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? हमने बताया कि बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसी को ही कहते हैं हेलो एरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बता रहे थे आर्थो पोजीशन, ठीक है, हमने बताया कि जो मोनोचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसके तीन पोजीशन होते हैं। पहला होता है आर्थो पोजीशन, दूसरा मेटा पोजीशन और तीसरा होता है पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले कि ये आर्थो पोजीशन किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि आर्थो पोजीशन किसे कहते हैं? वे एरोमेटिक यौगिक या वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो समूह बेंजीन रिंग में क्या जुड़े हो? आसपास जुड़े हो, उसे ही आर्थो पोजीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे किसी बेंजीन की संरचना लिया है और यहाँ पे हमने सीएल लगा दिया, तो ये हो गया हेलो एरीन। और इसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया? CH3 को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एरोमेटिक, है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और इसमें देखिए बेंजीन रिंग, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग कहते हैं। इसमें दो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस प्रकार भी ऐड हो सकते हैं और यहाँ पे ये इस प्रकार भी ऐड हो सकते हैं। आर्थो पोजीशन हो गया। और यहाँ पे अगर सीएल और यहाँ पे CH3 जुड़ गया तो भी क्या हो गया? आर्थो पोजीशन ही हो गया। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे मेटा पोजीशन किसे कहते हैं। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो समूह बेंजीन रिंग में, ठीक है, जिसमें दो समूह बेंजीन रिंग में आपस में एक स्थिति के अंतर पे जुड़े हों उसे ही मेटा पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे हमने सीएल को जोड़ दिया, हेलो एरीन हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो समूह
आपस में एक स्थिति के अंतर पे जुड़े हो उसे ही मेटा पोजीशन कहते हैं, मेटा स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या जुड़े हो, आपस में बेंजीन रिंग में क्या हो, यहाँ पे एक स्थिति मीन्स कि जो ये यहाँ पे आर्थो स्थिति है, ठीक है, इसके क्या है अंतर पे जुड़ा हो, यानी कि यहाँ पे जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे नहीं जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे CH3 जुड़ गया तो इसे ही कहते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है, मेटा स्थिति कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन किसे, देखिए अब देखेंगे हम पैरा पोजीशन किसे कहते हैं। वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो समूह बेंजील रिंग में क्या हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित हो, जुड़े हो, उसे ही पैरा पोजीशन कहते हैं। वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो समूह एक दूसरे के विपरीत स्थिति में क्या हो, जुड़े हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, उसे ही पैरा पोजीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने ये हो गया बेंजीन, ठीक है, मीन्स कि एरोमेटिक हो गया, तो यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे CH3 जुड़ा हो, ठीक है, ये क्या है एक दूसरे के क्या है विपरीत है, एक दूसरे के क्या जुड़े हैं विपरीत है, क्योंकि Cl यहाँ पे इसके विपरीत क्या जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेथिल जुड़ा हुआ है। तो इसी को ही कहते हैं पैरा पोजिशन। अगर इस तरह है तो आप क्या कहेंगे कि ये पैरा पोजिशन पे है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मोनोचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तीन होते हैं इसके बारे में आपको पता हो गया, ठीक है। इसको जो होता है आर्थो जो कंडीशन है, ठीक है, इसको आर्थो पोजीशन को ओ से शो करते हैं, आर्थो पोजीशन को ओ से शो करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट इसमें इसका नेम क्या है ओ से इसको शो करते हैं, मेटा को एम से करते हैं और पैरा को पी से करते हैं, ठीक है, इतने पोजीशन होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ चुके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ये चक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अणु में दो या दो से अधिक बेंजील रिंग जुड़ा हो उसे ही पॉलीचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पे डाइफेनिक, ठीक है, डाइफेनिल है जिसे बाइफेनिल भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या है डाइफेनिल है क्योंकि इसमें दो जुड़े हुए हैं बेंजील रिंग, ठीक है, दो फिनॉल जुड़े हुए इसलिए इसे डाइफेनिल कहते हैं। यहाँ पे एक को मोनो कहते हैं, दो को डाइफेनिल कहते हैं, तीन रहेगा तो ट्राई और चार रहेगा तो टेट्रा, यहाँ पे डाइफेनिल हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें क्या जुड़ा हो, दो या दो से अधिक इसमें बेंजील रिंग जुड़ा है इसलिए इसे ही क्या कहते हैं पॉलीचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बीच में क्या जुड़ा है CH3, तो इस प्रकार इसमें आप देख रहे हैं कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक क्या जुड़े हैं बेंजील रिंग जुड़े हैं इसलिए इसे पॉलीचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर किए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।